देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लिया गया है एक्सरसाइज 3.6 से, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है क्वेश्चन, तो विशेष बताने की जरूरत नहीं, बहुत बता चुके हैं। और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि यह टू वेरिएबल है लेकिन कुछ पंगा है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म होना चाहिए, वो कॉन्स्टेंट के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, उसके साथ वेरिएबल भी है, अचर के साथ चर मान भी है। तो सबसे पहले मेरा काम होगा इसको गायब कर देना, तरीका बहुत है गायब करने का, एक तो कि एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, या एक ऐसे सोच सकते हैं जो सट्टा से मारे फट्टा डाले बट्टा में। तो ये भी तरीका ठीक था कि 6x प्लस 3y जो सट्टा से बट्टा में आ जाता है एक्स वाई, और इसे जस्ट पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 6x बट्टा में एक्स वाई प्लस 3y बट्टा में एक्स वाई और बराबर में है 6। क्लियर है, x से x कैंसिल और y से y कैंसिल हो गया, और अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन बन गया 6 बट्टा y प्लस 3 बट्टा x बराबर, और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, चाहे तो 3 कॉमन ले ले ऊपर से इधर भेज दे, ले सकते हैं मर्जी ले लो। तो हम लोग 3 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बट्टा y प्लस 1 बट्टा x बराबर 6, और 3 से 3 2 जा 6। अब ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है यह क्वेश्चन, अब इससे ज्यादा अभी नहीं होगा, अब मानना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरा है फर्स्ट, जो कि इस फॉर्म में था बदल गया इस फॉर्म में। इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करें तो इसको भी वही काम कर रहे हैं कि 2x प्लस 4y जो सट्टा सो बट्टा में आया एक्स वाई और बराबर में है 5 ओनली बचेगा, क्योंकि एक्स वाई क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड में हो गया, ऐसे बोले तो सट्टा से मारे फट्टा डाले बट्टा ना। अब इसको लिखेंगे 2x बट्टा एक्स वाई प्लस 4y बट्टा एक्स वाई, ये बिल्कुल पिलर की तरह काम करता है, नहीं पिलर पर पूरे छत का लोड होता है ना, तो छत पर जितना मेंबर था सबका लोड अकेले ले लिया एक्स वाई, इसको भी बैठा लिया अपने सर पे, इसको भी बैठा लिया अपने सर पे। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये कैंसिल हो गया और बराबर में 5, और यह भी इक्वेशन बड़ा सिंपल फॉर्म में दिखने लगा, 2 बट्टा वाई प्लस 4 बट्टा एक्स के फॉर्म में दिखने लगा, और यह मेरा इक्वेशन सेकंड कुछ इस प्रकार बन के हो गया। ठीक है, हम पहले ही बोल चुके हैं मानने की चीज है, कुछ भी मान के हम बनाते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं। यहाँ भी 1 बट्टा एक्स दिख रहा है, 1 बट्टा वाई दिख रहा है, यहाँ भी 1 बट्टा वाई दिख रहा है, यहाँ 1 बट्टा एक्स दिख रहा है, यहाँ भी 1 बट्टा एक्स दिख रहा है, लेकिन कौन नजर से देखने पे अर्जुन वाला नजर से देखने पे ऐसे देखोगे तो 4 बट्टा एक्स दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देखोगे तो लगेगा 4 इंटू 1 वाई एक्स है, तो वो सेंस से हमें देखना है। तो मानने का चीज है, मान लेते हैं। तो अभी हम मान के क्या चलते, देखो क्या मान चलते हैं। माना कि मेरा नाम है भी से और के से कुमार, तो उससे मान के चलते हैं कि 1 बट्टा वाई बराबर मान लेते हैं हम लोग भी, क्या मान लेते हैं भी, और 1 बट्टा एक्स को मान लेते हैं हम लोग के, तब हम लोग मान लिए क्या 1 बाई वाई को भी मान लिए, 1 बाई एक्स को के मान लिए। ठीक है, लेकिन जिसका नाम के से होगा और कुमार भी होगा तो वो के मानेगा तो दिक्कत, तो वो नहीं मानना है, कुछ अलग अलग दोनों को मानना है, एक नाम मान लेने पर दिक्कत हो जाती है, परिवार में एक नाम का आदमी हो एक बार पुकारेंगे तो दौड़ जाएगा जो उस नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग नाम से हम लोग इसको मानेंगे। तो अब देखो समीकरण एक क्या बन जाएगा, ये अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक में, समीकरण एक में और समीकरण दो में 1 बाई वाई बराबर भी और 1 बाई एक्स बराबर के रखने पर, तो क्या हो जाएगा समीकरण एक जो होगा मेरा 2 इंटू 1 वाई वाई, तो 1 वाई वाई की जगह पर क्या भी, ठीक है, प्लस सिर्फ के बचेगा बराबर 2। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, जबकि इक्वेशन नंबर 2 जो मेरा था क्या बन गया 2, ध्यान से देना भी 2 भी प्लस 4 के बराबर 5, इक्वेशन नंबर मेरा ये बन गया 4। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कटने लाइक दिख रहा है, दोनों बैलेंस में है, तो दोनों बैलेंस में बुद्धि नहीं लगाना, इक्वेशन दोनों प्लस में होगा माइनस करेंगे, याद रखना सेम साइन होगा तो माइनस होगा, और हम लोग वही करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण दो बड़का दिख रहा है, समीकरण दो माइनस समीकरण सॉरी दो कहते समीकरण तीन माइनस समीकरण समीकरण चार बड़ा दिख रहा है, चार में से ही कटाते, समीकरण चार माइनस समीकरण तीन। तो देखो समीकरण चार का एलएचएस पक्ष मेरा क्या है, टू भी प्लस फोर के माइनस टू भी प्लस के है, ब्रैकेट में रखेंगे टू भी प्लस के है और बराबर फाइव है,
5 माइनस 2 हो गया, आरएचएस में से आरएचएस घटेगा, दिया गया 2V + 4K - 2V - - (3) ये से कैंसिल, बच गया क्या चीज, 3K = 3, 3 1 = 3, इसलिए K = 1, तो K का मान हमें निकल के आ गया है 1। इस मान को समीकरण 3 में रखो या 4 में कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 3 और 4 में ही रख सकते हैं, जहां जाके दिखेगा वहीं ना रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में K = 1 रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा क्या है, 2V + K है, तो 2V + K, तो के बराबर क्या है 1, और बराबर में क्या है तो 2, बराबर में क्या है तो 2, और यहां से भी आ गया 2V = 2 + 1 इधर है तो दिस इंप्लाइज 2V = 1, समझ में आया बात, दिस इंप्लाइज V = 1/2। तो हमें के और भी का मान निकल के आ चुका है, ठीक है। अब इस मान को लौटा देते हैं, अब लिख देते हैं प्राप्त K = 1 और V = 1/2, के मान को लौटाने पर लौटा देते हैं, तो प्राप्त K = 1 और V = 1/2 के मान को लौटा देते हैं, कहां माने थे, तो देखो 1/y बराबर था भी, तो 1/y बराबर था भी, या भी बराबर क्या था 1/2, तो यहां से निकल के क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या दे दिया y = 2, जिसे y = 2, ठीक है। जबकि 1/x = है के, तो 1/x = है या के, या के बराबर क्या है 1, यानी कि x = 1, तो हमें x और y का मान निकल के आ चुका है, और यही मेरा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट।